इन लोगों का जो भ्रष्टाचार है, बीजेपी का भ्रष्टाचार, इन्होंने सरकार चोरी क्यों की? इन्होंने सरकार इसलिए चोरी की क्योंकि ये चोरी करना चाहते हैं। इनका मेन प्लान है कि मध्य प्रदेश की जनता से चोरी कैसे करा जाए, कैसे की जाए, और इसीलिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था। तो क्या किया? व्यापम सुना होगा आपने, 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बेच डाला, 40 लोगों की हत्या हुई। मोदी जी ने इंक्वायरी करवाई? नहीं। आपने ये जो मंत्री है तोमर, नाम सुना होगा आपने, वीडियो देखा इसका? वीडियो देखा है? एक वीडियो नहीं है उसके, अलग अलग वीडियो है। कहीं वो 100 करोड़ की बात करता है, जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते हैं ना, जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं, भैया मेरे पास 4 कंचे हैं 5 कंचे हैं, वो करोड़ों की बात कर रहा है। 100 करोड़ इधर भेज दो, 50 करोड़ उधर भेज दो, पता नहीं कहां बैठा है, विदेश में बैठा है कहीं। वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ इधर, 50 करोड़ इधर, 200 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर। ये आपका पैसा है, ये तोमर का पैसा नहीं है, तोमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। और हर डिपार्टमेंट में ये करते हैं। स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें चोरी, विदिशा में हो रही है, पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस सीट्स बिकती हैं, हर चीज को बीजेपी के लोग बेचते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए। मैं यहां आपको देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 15 लाख का वायदा कर जाते हैं, 15 लाख रुपए मिले किसी को? नोटबंदी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। भैया वो जो तोमर जी है वो कौन से रंग के धन की बात कर रहा है? वो फोन पे, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। अगली बार मीटिंग में आएंगे, उनसे पूछना, नरेंद्र मोदी जी तोमर जी का बेटा है, उस पर आप इंक्वायरी कब कराओगे? सीबीआई की इंक्वायरी कब होगी? ईडी की इंक्वायरी कब होगी?